ऊपर सबसे ऊपर रेस्टोरेंट है, ये है मुल्तान का सबसे हाईएस्ट रेस्टोरेंट। आज 12 जून है और आपके भाई की बर्थडे है, किसी ने कोई सेलिब्रेशन नहीं की, कोई पार्टी नहीं दी, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे। शहर यार, ये अब हम ट्राई करेंगे सबसे पहले कबाब, इधर राइस थोड़े से, खाना मजे का। यहाँ पर हमारी होगी बर्थडे सेलिब्रेशन, प्लेट पे आप दोबारा विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, क्या हाल है, सब ठीक है। आज 12 जून है और आपके भाई की बर्थडे है, लेकिन किसी ने कोई सेलिब्रेशन नहीं की, कोई पार्टी नहीं दी यार, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे, क्योंकि पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि मेरी बर्थडे ऐसे बिल्कुल बोर गुजरे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्या कह सकते हैं यार, यार फिर खुद ही पार्टी करता हूँ यार, थोड़ी सी पार्टी शार्टी कर लेंगे, केक काट लेंगे। पहले भी मैं अकेला खाना चाना खाता हूँ, तो आज सेलिब्रेशन भी अकेली हो जाएगी, तो कोई बात नहीं। डिसाइड नहीं किया कि कौन सा रेस्टोरेंट जाऊँगा, अभी 4 बजे ओपन होने वाला है, उसके बाद डिसाइड करता हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सामान क्या चीज़ है यहाँ पे ऑफिस में, कहाँ क्या लगा, ये ऊपर टेक केयर बन है, उसके लिए LED आई है 55 इंचेस की, और ये मैट्रेस उस ऑफिस के लिए, उस वहाँ के लिए है, और वहाँ पे मैट्रेस चला जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा ये माहौल ऑफिस वाला लगेगा। और ये यहाँ पर एज यूजुअल बिल्कुल सब कुछ बिखरा पड़ा है, ये काम बहुत करता हूँ ना मैं, इसलिए बहुत मेहनती हूँ, इसलिए ये बहुत सारा काम होता है मुझे। और अब देखते हैं सिस्टम, सिस्टम भी बंद कर लेते हैं यार। वाओ वाओ, ये बाकी से अच्छा तो ये है, मुझे हैप्पी बर्थडे भी कह रहे हैं जीमेल, क्या बात है। 4 बजने वाले हैं, नमाज़ भी नहीं पढ़ी अभी तक, तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी तो नमाज़ रह जाएगी। तो ये शूज़ उतार लिए हैं और अब ये स्लीपर्स पहन के हम पहले जाते हैं, वज़ू कराते हैं और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं। भाई तो बहुत ही गर्मी है आज, पता नहीं क्या बनेगा, धूप में गाड़ी खड़ी है ना। ना बहुत गर्म है यार, जल्दी जल्दी AC चलाते हैं यार, तो ये भी तो मैं तो ये पे रोस्ट हो जाना है आज यार, बहुत गर्मी है, एक मिनट के अंदर इतना पसीना आ गया, सारी हालत खराब हो गई है, फायदा नहीं है तैयार होकर आने का, स्टेरिंग भी नहीं पकड़ा जा रहा, इतनी गर्म हुई खड़ी है गाड़ी, क्योंकि सुबह से धूप पे खड़ी है और ना बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है। अकेला तो मैं जा नहीं सकता, किसी को लेके जाना पड़ेगा साथ में, सेलिब्रेशन करनी है तो मैं केक काट लेंगे, तो मैं कहता हूँ दानिया आप चलता हूँ, ठीक है, वो बहुत सा भी खाना खा लेगा, मेरी भी सोचते हैं अच्छा खाना मिल जाएगा, ये करता हूँ मैं कि रेडी हो जाए, रेडी तो वैसे होना नहीं होता उसमें, और जितना भी रेडी हो जाए उसमें अच्छा दिखा नहीं होता, ये तो धोती खोल रहा है, उसको पिक कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं इस रेस्टोरेंट, अभी सोचा नहीं इस रेस्टोरेंट जाना है, गर्मी बहुत ज्यादा, दिमाग शार्ट हुआ बड़ा, अंदर स्कूल का माहौल है, शमीला पे आ गए हैं, यहाँ से केक लेते हैं पहले और उसके बाद फिर चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में, अभी भी स्टिल डिसाइडेड नहीं है। शाहपुर को मैंने बुलाया है, वो पता नहीं कब तक आएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 मिनट, तो फिर तब तक मैं केक ले लेता हूँ, और फिर भूख बहुत लगी यार, सुबह से नाश्ता नहीं किया आज, फिर खाना खाना है कुछ बहुत मज़े का खाना। यार ये केक कर रहे हैं हम क्या, इस पर यार राइटिंग भी करनी है और पूरा लिखना है अभी वर्ड पे, SHEH यार, आर का लिखा, आर नहीं लिखा इसमें, शहर यार, क्या खिचड़ी बना दिया, केक ले लिया, अरे आ गया शापर दानियाल, एज यूजुअल इस बार भी अपनी तरफ से पूरा तैयार हो गया, लेकिन तैयार हो गए बिल्कुल भी नहीं आया, मैं हमेशा तैयार ही रहता हूं, ये तो ये तैयारी है फुल टाइम यार, फिर रहने दे प्लीज, से अच्छा तू तैयार ना हो अगर, पहले तो अपना बता, तेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की किसी, बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी, तो भी आगे किसी नहीं की, मैं खुद ही कर लेता हूं, बता कहां जाना है, किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में, क्या एक्सपेंसिव है, स्पैनिश नहीं, गजब बेइज्जती है, मैंने तो ना भी देने, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट चलते हैं,
सोचा है कि हम जा रहे हैं अब इलियट रेस्टोरेंट पे, जो मुल्तान का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, रूफ टॉप है। लेकिन इस टाइम तो रूफ पे हमें सिर्फ धूप में मिलेगी और कुछ नहीं मिलना, गर्मी नहीं है। शायद उनकी इंडोर सिटिंग भी होगी, ऑब्वियसली वहाँ पर जाके थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन करते हैं, केक शेक काटते हैं और थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं हम। आगे हम इलियट रूफ टॉप रेस्टोरेंट, ये ऊपर सबसे ऊपर रेस्टोरेंट है, और अब हम नीचे पहले पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। यहाँ ब्रेक ही फेल हो गए, नहीं ऊपर चढ़ जाएगी इनके। ये ले क्या बेटे, बर्थडे मेरी है ना, चल ले क्या, शाबाश। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ये लिफ्ट आ रही है नीचे, 9th फ्लोर तक गई है, और अभी वापसी आने में बहुत टाइम लगेगा। इससे बहुत छोटी सी लिफ्ट है यहाँ पे, पता नहीं तकरीबन 2 से 3 बंदे खड़े हो सकते हैं। खाली चलता ये वाला ऊपर, यहाँ पे तो हम पता नहीं क्या हो जाएगा, 9th फ्लोर पे जाना है हमने। भाई लिफ्ट नहीं है, ये कब्र है, और ये कब्र का अजाब ये खड़ा है। ये भी हम पहुंचे हैं 7th फ्लोर पे, पहुंचे अभी तक, पता नहीं कब पहुंचे ऊपर। मर गया भाई, बहुत गर्मी है, ठीक है, और इसलिए हम पहले अंदर बैठ के खाना खाएंगे और उसके बाद फिर केक ऊपर काटेंगे। उस टाइम तक शायद थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है। मेन्यू कार्ड आ गया है, देखते हैं क्या हमने ऑर्डर करना है। हमने ऑर्डर किया है एक स्पेशल राइस किया, और ये रेशमी कबाब और चिकन मंचूरियन, तीन चीज़ें। अच्छा ये अभी पहले ये तो ले आए, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं। अभी सेटिंग हो रही है रूफ टॉप की, और खाना ऑर्डर कर दिया हमने, तब तक हम खाना खाएंगे और उसके बाद फिर शाम भी हो जाएगी और सारी सेटिंग हो जाएगी, बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे ऊपर, हमने कह दिया है। यहाँ पर सारी हमारी डेकोरेशन की सेटिंग हो रही है बर्थडे की। ये है मुल्तान का सबसे हाईएस्ट रेस्टोरेंट, हवा भी काफ़ी चल रही है अभी, बस शाम हो जाएगी ना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, साथ में पंखे लगेंगे तो थोड़ा बैठने काबिल हो जाएगा। और ये कैंट में वाक्य है, ये सारा यहाँ से काफ़ी टाइम हो गया, अभी खाना आया नहीं अभी तक, खाने का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगा। खाना आ गया हमारा और काफ़ी मज़े का लग रहा है, अभी टेस्ट करके देखते हैं। हाँ तू पहले आगे हो जा, इसमें बहुत ज़्यादा पाइन एप्पल्स लगे हुए हैं मज़े के, ट्राई करते हैं अभी। चोरियन फ्राइड राइस और कबाब, बस परफेक्ट है। ये अब हम ट्राई करेंगे सबसे पहले कबाब, जो कि बहुत मज़े के लग रहे हैं, और इधर साथ में राइस थोड़े से, खाना मज़े का। अब भाई जाके देखते हैं रूम को, जो इन्जॉयमेंट है जम करने आती है वो होती है कि नहीं। खाना खा लिया और काफ़ी मज़े का खाना था, हॉल थोड़ा ठंडा हो गया है, शाम के तकरीबन 6:30 बज गए हैं। क्या मज़े का, क्या मज़े का सीन। केक नहीं लेके आया, उसे बोला तूने केक लेने का? केक भाई ऊपर लगा हुआ, आ जा आ जा। अरे हम ऊपर जा रहे हैं केक काटने के लिए, ठीक है, इसका तेरा केक काटने के लिए। चुप कर बे कुत्ते। अबे बहुत मज़े का है सारा व्यू, क्या बात है। ये सूरज यार, हाँ एक पिक्चर तो बना, क्यों तैयार हो गया है और क्या, माशाल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। हम आ गए हैं रूफ टॉप पे, यहाँ पर हमारी होगी बर्थडे सेलिब्रेशन। केक आ रहा है, ठीक है, और हम वो काट के फिर चलते हैं घर पे। ये आगे हमारा केक, हैप्पी बर्थडे शेयर योर, कौन करते हैं हम केक काटते हैं, ठीक है बेटे, केक काट रहा हूँ मैं। जला लेगा आज की डेट में। एक मिनट सबर करेगा, बस इतने से था, हो गई हैप्पी बर्थडे भाई, चल भाई तेरा काम खत्म। केक भी काट लेते हैं बेटे, केक कैसा लगा तुझे, खाना कैसा लगा? केक अच्छा नहीं था यार, पहली फुर्सत में निकल, अच्छा था केक, खाना कैसा लगा? हाथों से दिलाया था ना, इस वजह से अच्छा नहीं लगा। चल खाना कैसा लगा? खाना ठीक था, खाना ठीक था यार। हम यहाँ से फेंकते हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं नीचे। ओह क्या बात है, अभी भी हवा में है टिश्यू। क्या कर रहा है?
ये हम ना इसका वो दे रहे हैं रिव्यू कि कैसा लगा आपको खाना और सारे इन्वायरमेंट। तो क्वालिटी ऑफ फूड तो हम देंगे गुड, ओके, क्लीनलीनेस भी गुड है, वेटर सर्विस भी गुड, फूड डिलीवर टाइम थोड़ा एवरेज था, अदर सर्विसेज एवरेज, स्पेशल नोट टुडे इज़ माय इंग्लिश आती है तुझे? हाँ जी, टुडे इज़ माय बर्थडे 12/6/24, नेम शहरयार, कॉन्टेक्ट सिटी टोक्यो। अबे साले प्लीज पे आप दोबारा विजिट करें, रात के टाइम आना है ठीक है, और अकेले ना आना ठीक है, हम तो अकेले आ गए हैं, कपल्स को देखे ना कुछ कुछ हो रहा था, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, मैं धारा दुख समझूं भाइयों। सबसे पहले तो एक आपने अकेले नहीं आना, साथ कपल हो तो फिर आना आपने, और रात के टाइम आना बस ठीक है, बंद कर रहा हूँ, और क्या करेगा। और बिल भरते हैं हम, कितना बिल भरना? खाने का बिल बना है 4,237। शौक पूरा कर लिया हमने ठीक है, महंगे रेस्टोरेंट से खाना खाने का, बर्थडे सेलिब्रेट करने का, और हम वापस चलते हैं घर को, क्योंकि मगरिब हो गई है और फिर हमने नमाज भी पढ़नी है। अब बुलाई नहीं लिफ्ट अभी तक, हम तुझे कहा भी था लिफ्ट बुला लेते हैं, पहले इस पर टाइम लगता है काफ़ी, बट जल्दी बुलाया तुम्हें। तो यार अब हमने केक उठा लिया वापस जो बचा था, और अब हम वापस जा रहे हैं रूफटॉप से नीचे बेसमेंट में। अब चलते हैं जल्दी से घर को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मगरिब हो गई है, जल्दी से घर चलते हैं अब, और लेट्स गो। वेलकम बैक यार, बर्थडे मना ली, काफ़ी मज़ा आया, और केक भी काफ़ी मज़े का था, इलीगेट रेस्टोरेंट भी काफ़ी मज़े का था, खाना भी बहुत मज़े का था, मज़ा आया, लेकिन खुद के पैसों में करने का क्या मजा यार, जब कोई पार्टी ना दे, जब कोई ट्रीट देने वाला ना हो, क्या फ़ायदा ऐसी बर्थडे करने का। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। चलो लास्ट बर्थडे जो मैंने फील किया है, नेक्स्ट में देखेंगे फिर कैसे मैं अकेला करता हूँ, तुमसे ना हो पाएगा। ओके, फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखना, सब्सक्राइबर्स ऊपर नहीं जा रहे, और अगर मेरे ऊपर ना रहे ना फिर मैंने चैनल बंद कर दिया। ओके, लेकिन इससे आपको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, जो भी है, आप आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, और अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं भी ख्याल रखूँगा अपना, और आप भी ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।